जोत जमीन नहीं है, महंगी ज्यादा है, खाल फूटता नहीं है, रहे के ठेकान है, धरती पर सुतता है। हम लोग को कहा गया मोदी जी के द्वारा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमारे बच्चे भाई को नौकरी भी नहीं मिला। देश में महंगाई, बेरोजगारी और सामुदायिकता बहुत बड़ा खतरा है। बात का जमीन नहीं है, उसके बाद बाल बच्चा के खाने पीने के लिए, परिवार को खाने के लिए जीविका उपार्जन का जमीन नहीं है। जो कागज में हो रहा है उसको धरातल पर लाना है बस। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी को घेरता रहा है और आज राजधानी पटना के गांधी मैदान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से महंगाई के विरुद्ध में रैली आयोजित की गई है। पूरे राज्य से लोग यहां पहुंचे हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इनका कहना है कि जो महंगाई बढ़ रही है उस पर केंद्र सरकार लगाम नहीं लगा रही है। इसको लेकर के बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण इलाकों से आए हैं। क्या किसको, मोदी को घेरने आए हैं, क्या कहने आए हैं? मोदी कहने आया है कि हमको रहने का बास नहीं है, खाए का उपाय नहीं है, जोत जमीन नहीं है, महंगी ज्यादा है, खाल फूटता नहीं है, रहे के ठेकान नहीं है, धरती पर सुतता है। हम लोग कौन देगा हमको धरती, जोत जमीन, बास जमीन, बाल बच्चा 4 गो 5 गो है, एक एक घर में कैसे रहेंगे? कौन लाया आप लोगों को बुला के यहाँ गांधी मैदान में? सीपीएम के लाए हैं संजय बाबू। अच्छा, क्या कह के लाए? क्या कह के लाए हैं? इन लोग गरीब लोग को मान लीजिए बसने के लिए बांस का जमीन नहीं है, बांस का जमीन नहीं है, उसके बाद बाल बच्चा के खाने पीने के लिए, परिवार को खाने के लिए जीविका उपार्जन का जमीन नहीं है। खगड़िया जिला से बलहा प्रखंड से अति बलहा विलेज हुआ और मानसी प्रखंड। कहाँ आए हैं चचा, कहाँ आए हैं, कौन काम है यहाँ? यहाँ आए हैं वही खाने का नहीं है, रहने का नहीं ठिकान है, न चास का है, न बास का है, कहाँ पर रहेंगे बाल बच्चा, रहेगा कि हम रहेंगे? मोदी जी और नीतीश जी दोनों कहे हैं कि जो गरीबी है वो दूर हो रहा है। दोनों का है लेकिन कुछ हुआ नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, नहीं दिया है। बताइए, आप इसी रैली में हैं जी, क्या मुद्दा है यहाँ? मुद्दा है बंधु कि आज हम लोग को कहा गया मोदी जी के द्वारा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमारे बच्चे भाई को नौकरी भी नहीं मिला, 2023 तक के सभी पक्का मकान बना देंगे, भूमिहीनों को जमीन देंगे, ना जमीन मिला ना मकान मिला और ना रोजगार क्या मिला, जो आप भी देख रहे हैं, अभी खुद बेरोजगार होंगे। हम तो रोजगार में हैं। और ये रोजगार नहीं कहा जाता है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना मुद्दा बताइए। कोई रोजगार में नहीं है नौजवान, कोई नौजवान खुश नहीं है, कोई किसान खुश नहीं है, कोई मजदूर खुश नहीं है। मनरेगा के द्वारा कहा जा रहा रोजगार गारंटी योजना, 30 दिन का काम देना है, 60 दिन का काम देना है, लेकिन 10 दिन भी काम नहीं मिल रहा है साल में, बताइए। ये सवाल पर हम लोग आए, बताइए आप भी इसी रैली में हैं? इस रैली में आए हुए हैं। देश में महंगाई, बेरोजगारी और सामुदायिकता बहुत बड़ा खतरा है और इस खतरा को सीपीआईएम ही रोक सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं कि हमारे सीपीआईएम के नेता क्या बोल रहे हैं, वो सुनने के लिए आए हुए हैं। क्या आप भी इसी रैली में आए हैं? आप तो युवा हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जो विकास कागज में हो रहा है उसे धरातल पर लाया जाए। कह रहे हैं मोदी जी की देश तो बहुत शिखर पर, ऊंचाई पे जा रहा है। सिर्फ कागज में हो रहा है, सिर्फ लोग तो वोट दे रहे हैं ना उनको। पिछला आप चुनाव उत्तर प्रदेश देख लिए, कोई भी देख लीजिए, लोग तो उनको चुन रहे हैं। उसी हिसाब से तो तिरस्कार तो कर रहे हैं लोग, जिस हिसाब से चुन रहे उसी हिसाब से तिरस्कार कर रहे हैं। जो कागज में हो रहा है उसको धरातल पर लाना है बस। मोदी जी, तो आपने सुना ये आम लोग हैं जो लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं थी, जो घोषणाएं थी, उसे धरातल पे नहीं उतारा जा रहा है, कागजी तौर पर है, महंगाई ज्यादा बढ़ी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रहने के लिए जमीन नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री तक चीजों को पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं और अपनी आवाज